एक प्राचीन कहावत है, जो पेड़ तेज हवाओं में झुकता है वही बचा रह जाता है। यह सच है, आखिर में वही बचता है जो विनम्र होता है। अकड़ किसी काम की नहीं होती। ताओ के सानिध्य में रहो और तुम्हें इसका अर्थ समझ आ जाएगा। प्रकृति भी इसे अपनाती है, तभी तो हवा चल नहीं सकती पूरे दिन के लिए, तूफान रह नहीं सकता पूरे दिन के लिए। अगर प्रकृति यह समझती है और इसे वह अपनाती है, तो तुम्हें भी यह करना चाहिए। जब ये प्रकृति शाश्वत को नहीं बना सकती, तो फिर यह मनुष्य के लिए कैसे संभव है जो ताओ के साथ चलता है। वह ताओ के साथ एक होता है। जो खुश रहता है उसे खुशी मिलती है, और जो दुखी रहता है उसे दुख मिलता है। जब तुम ताओ के साथ एक होते हो, ताओ तुम्हें स्वीकारता है। जब तुम खुशी को अपनाते हो, तो खुशी वहां तुम्हारे लिए हमेशा पहले से उपस्थित होती है। स्वयं पर विश्वास करो, तब अन्य भी तुम पर विश्वास करेंगे। अपने उद्देश्य में दृढ़ रहो, ताकि तुम रास्ते से भटक न जाओ। खुद की गति को समझो। अगर तुम कहीं भी जाना चाहते हो, खुद पर ध्यान मत दो, अगर चाहते हो कि लोग तुम पर ध्यान दें। कोई भी उनका आदर नहीं करता जिनके पास हमेशा बहाने होते हैं। कोई भी उनको श्रेय नहीं देता जो खुद ले लेते हैं। जो अपना बखान स्वयं करते हैं, उनके पास देने को और कुछ नहीं होता। ताओ के संदर्भ में ये होते हैं, ढोंगी और हद से ज्यादा रखने वाले। वे नहीं लाते कभी भी खुशियां। जो ताओ के साथ एक हैं, वे ऐसों का अनुसरण नहीं करते। कई बार आप आगे बढ़ते हैं या कई बार आप पीछे रहते हैं। कई बार आप खुद को बढ़ाते हैं या कई बार आप स्थिर रहते हैं। कई बार आप सुदृढ़ होते हैं तो कई बार आप कमजोर होते हैं। कई बार आप ऊपर होते हैं तो कई बार आप नीचे भी होते हैं। एक साधु मुनि सदा साधारण जीवन व्यतीत करता है, अधिकता से परहेज करते हुए। पूर्ण अभ्यास के द्वारा तुम आ जा सकते हो बिना कोई छाप छोड़े। बोल सकते हो लगातार बिना लड़खड़ाए। हल कर सकते हो गणित के कठिन प्रश्नों को मुंह जबानी। दरवाजा बना सकते हो बिना ताले का, जिसे कोई खोल नहीं पाएगा। बांध सकते हो किसी चीज को बिना गांठ, बिना किसी रस्सी के, और वो ढीला भी नहीं होगा। क्या तुम इस दुनिया को जीतना चाहते हो? एक बार फिर सोचो। यह दुनिया एक पवित्र स्थल है। तुम जो चाहो वो इसके साथ नहीं कर सकते। जिन्होंने इसे बदलने की कोशिश की, उन्होंने इसका विध्वंस कर दिया। जिन्होंने इसे पाने की कोशिश की, उन्होंने इसे खो दिया। एक शासक कैसे एक राष्ट्र पर राज कर सकता है बिना किसी दुस्साहस के, जबकि वह उन सभी लालसाओं व इच्छाओं से ग्रसित होता है? यदि वह ज्यादा उदार है तो उसके मंत्री भ्रष्ट हो जाएंगे। यदि वह ज्यादा सख्त है तो उसका राज्य खत्म हो जाएगा। ध्यान से सुन, अगर तुम नेतृत्व करना चाहते हो, जो ताओ के सानिध्य में होता है, वह कभी भी लक्ष्य को पाने के लिए हिंसा का प्रयोग नहीं करता।
हिंसा हमेशा कुछ बुरा ही लौटाती है, उससे कुछ बुरा ही होता है। युद्ध पर गई सेना अपने पीछे आंसुओं की निशान छोड़ देती है और सेनाओं की जीत हमेशा विध्वंस करती है। ताकतवर हमेशा अपनी सारी शक्तियां खो देता है और ताव के साथ अपना सानिध्य भी। यदि वह ताव के साथ सही नहीं हो पाता, ऐसे लोग ज्यादा समय तक नहीं टिकते, तब वे एक मृत की तरह होते हैं। हथियार भयावह वस्तु है। अगर तुम ताओ के साथ एक होना चाहते हो तो उन्हें त्याग दो। एक साधु मुनि बस वह करता है जो होना चाहिए, और इतना ही बस है जो वह करता है। जो तुम्हें करना है वह तुम करो, बिना किसी घमंड या अहंकार के कार्य को पूर्ण करो, और फिर फल की चेष्टा मत करो। जो तुम्हें करना हो करो, पर खुद के फायदे के लिए नहीं। इसलिए करो कि वो होना चाहिए, और इसे इस तरह मत करो कि जैसे तुम सोचते हो कि इसे ऐसा होना चाहिए, बल्कि ऐसे करो कि जैसे उसको होना चाहिए। चीजों को जानना आपको चतुर बनाता है, पर खुद को जानना आपको बुद्धिमान बनाता है। औरों पर विजय के लिए तुम्हारा ताकतवर होना जरूरी है, पर खुद को जीतने के लिए तुम्हारा सामर्थ्यवान होना जरूरी है। जब तुम्हारे पास केवल वह होता है जो तुम्हें चाहिए, तभी तुम सही मायने में संपन्न होते हो। अगर तुम कभी हार नहीं मानोगे तो तुम कोई रास्ता जरूर निकाल लोगे। अगर तुम अपने प्रति ईमानदार रहते हो, तुम कभी नहीं भटकोगे। अगर तुम जिंदगी में जीवंत रहते हो, तुम तभी जीते हो। एक साधु मुनि अपने हृदय को समझता है और अपने मार्ग से कभी भ्रष्ट नहीं होता। कई आकर्षक चीजें उसका ध्यान भटकाने का प्रयास करती हैं, किंतु वह शांत और निर्लिप्त बना रहता है। साधु मुनि होते हैं सभी की मदद के लिए और जरूरत पड़ने पर सभी को अनदेखा करने के लिए। वे चीजों का उपयोग बुद्धिमत्ता के साथ करते हैं और कुछ भी बेकार जाने नहीं देते। कुछ लोग इसे कहते हैं अपने आत्म प्रकाश का अनुसरण करना। अच्छे लोग दूसरों को अच्छाई सिखाते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्षमता होती है अच्छा करने की। होशियारी किसी काम की नहीं होती। अगर तुम अपने गुरु का आदर नहीं करते और दूसरों के हुनर को सम्मान नहीं देते, अगर तुम ताकतवर हो पर फिर भी संवेदनशील हो, तो शक्ति तुम्हारे अंदर बहती है, जिससे तुम हमेशा ताओ के साथ एक होते हो। यह एक नई जिंदगी की तरह है। अगर तुम आदर्शवादी होते हो, वास्तविकता को जानते हो, तो तुम दूसरों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करते हो। इसे करो और तुम हमेशा ताओ के साथ एक होगे। तुम कुछ भी कर सकोगे। अगर तुम अच्छाई जानते हो, बुराई को समझते हो, तो तुम दुनिया के लिए प्रमाण स्थापित करते हो। इसे करो और तुम हमेशा ताओ के अनुसार होगे। तुम फिर असीम होगे। अगर तुम प्रतिष्ठित हो फिर भी विनम्र हो और चीजों को देखते हो जैसे कि वो हैं, तो तुम हमेशा ताओ के अनुसार होते हो और तुम्हारा जीवन सरल व सामर्थ्यवान हो जाता है। सच्चे तथा सहज रहो और फिर देखो
कैसे ताव तुम्हारे साथ एक बद्ध होता है। कुछ है ऐसा जो है अपरिभाषित किंतु अपने आप में पूर्ण है, जो जन्मा धरती और आकाश से भी पहले, मौन और असीम, जो स्थिर है शुरुआत से बिना किसी परिवर्तन के, जो है सर्वव्याप्त बिना किसी विफलता के, शायद वही है सभी चीजों की उत्पत्ति का कारण। मैं उसे नाम से नहीं जानता लेकिन मैं उसे ताओ कहता हूं। यह इतना भव्य है कि यह टिका हुआ है, और जो टिका रहता है वो लंबे समय तक रहता है, और जो लंबे समय तक रहता है वह शुरुआत में फिर आता है।